Good morning, students. Today we will discuss about the poem Mahabalipuram, written by the great Indian poet R. Partha Sarathy. R. Partha Sarathy का जन्म तिरुपत्तूर तमिल नाडु में हुआ था. तो वो महाबलीपुरम को बहुत अच्छे से जानते थे, जगह को, और कई बार वो उस जगह पर विजिट करने के लिए गए थे. तो इस पोएम में उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से महाबलीपुरम के बारे में बताया है. महाबलीपुरम के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. महाबलीपुरम जो है तमिलनाडु में चेन्नई शहर के 60 किलोमीटर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के तट पर ये स्थित है. यहाँ के मंदिर और पत्थर में पच्चीकारी की मूर्तियाँ हैं, की हुई मूर्तियाँ 7वीं शताब्दी में जो बनाई गई थी. इनमें से एक अत्यधिक दर्शनीय मूर्ति है गंगा के अवतरण की, जिसको पवित्र अर्जुन के प्राश्चित के नाम से भी जाना जाता है. पत्थर में नक्काशी की हुई ये मूर्ति हमें अर्जुन की उस समय की कहानी बताती है, जब उन्होंने भगवान शिव को गंगा के अवतरण को अपने बालों में सह लेने के लिए तैयार कर लिया था. 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में समुद्र के तट के इस मंदिर का निर्माण हुआ था, और यह मंदिर जो है भगवान शिव के सम्मान में बनाया गया है. इस मंदिर को ग्रेनाइट के बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है. इसकी शैली बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दक्षिण भारत में सबसे पहले पत्थर से बनाए गए मंदिर के रूप में जाना जाता है ये मंदिर. समुद्र तट के इस मंदिर की स्थापत्य कला ने चोला वंश के राजाओं को भी प्रभावित किया, जिनके वंश ने पल्लव राजाओं के बाद इस क्षेत्र में प्रभावशाली वंश के रूप में राज्य किया था. और यह क्षेत्र अब तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है. समुद्र तट के किनारे स्थित यह मंदिर बहुत सुंदर है, और इसको अब संसार के धरोहरों में शामिल किया गया है. यह प्राचीनतम मंदिरों में से एक है. इनकी शैली बहुत ही यूनिक है, क्योंकि ये जो मंदिर है भगवान शिव और भगवान विष्णु की मूर्तियां हैं इसके अंदर. और इस मंदिर का ढांचा जो है द्रविड शैली में बनाया गया था, लेकिन तभी से अनेक वर्षों से इस पर समुद्र के कटाव, नमक, हवा, मिट्टी का प्रभाव हुआ, और इसमें थोड़े बहुत चेंजेज आए हैं. गुफाओं में, चट्टानों में पच्चीकारी करके बनाए गए 9 मंदिर हैं. इनमें महिषासुर मर्दिनी की गुफा एक महत्वपूर्ण है. तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं. हॉक्स इन रिपल्स. सर्कमस्क्राइब द विजन. पेन स्टेकिंग ए बिंड थॉम्स पैराग्राफ ऑफ ब्राइट सी इन एडोरेशन पेंट्स द स्काई. To rocks dreams in stone of a thousand years. Poet जो है महाबलीपुरम का सुंदर वर्णन करते हैं कि ये जो मंदिर है वो कई शताब्दियों पूर्व बनाया गया था. अब हॉक्स, शिकारी जो पक्षीबाज है, वही यहाँ पर इस स्थान के चारों तरफ सरकमस्क्राइब यानी चारों ओर उड़ते रहते हैं, और कभी कभी सभी दिशाओं को छूते हैं. पेनस्टेकिंग ए बिंड थम्स पैराग्राफ. और तेज जो हवा है वो उस ब्राइट समुद्र को उद्वेलित करती है, और अन्यथा जो शांत समुद्र है उसमें बहुत सी लहरें उत्पन्न होती है. तो पोइट जो है ये कहना चाहता है कि जो ब्राइट समुद्र में जो हवा है वो परिच्छेद करती है, एक ऑफ ब्राइट सी
इन एडोरेशन बेंड्स द स्काई, और जो आसमान है वो भी अपने आप को नीचा करता है और इस प्रकार झुकता है कि वह इसकी समुद्र की स्तुति कर रहा हो, पूजा कर रहा हो, इन चट्टानों की पूजा कर रहा हो। टू रॉक्स ड्रीम्स इन स्टोन ऑफ ए थाउजेंड ईयर्स, पत्थर की ये मूर्तियाँ हजारों साल पहले बनाई गई थी और कभी इनको इन पत्थरों में जो सजीव स्वप्न कहकर इनको बुलाता है, पुकारता है। हियर ए किंग एंड हिज पीपल बोल्ट, ओनली द केजुरेना एंड्योर्स एंड सर्वाइव्स द पिनेंस ऑफ अर्जुना द बून ऑफ फोर आर्म्ड शिवा टू भागीरथ। कवि पारसाथी कहते हैं कि महाबलीपुरम को एक सम्राट और उसकी प्रजा के लोगों ने कई शताब्दियों पहले बनाया था। बहुत लंबा समय आप चूँकि गुजर चुका है तो वहाँ पर केवल केजुरेना के पेड़ ही खड़े हुए हैं और ये पेड़ जो हैं दूसरे पेड़ों के और दूसरे पेड़ तो समाप्त हो गए लेकिन समय के साथ, लेकिन ये पेड़ अभी भी जीवित है और अभी भी यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं। द पिनेंस ऑफ अर्जुना, और ये जो वृक्ष है वो अर्जुन के प्राश्चित के बाद भी विद्यमान है। महाबलीपुरम की जो पत्थर से बनाई गई जो मूर्तियां हैं वो हमें अर्जुन के प्राश्चित की कहानी कहती है। अर्जुन जो है वो पांच पांडवों में से एक था जिन्होंने महाभारत के दौरान युद्ध में कई योद्धाओं का वध किया था और उनके पश्चाताप स्वरूप वे स्वर्ग से गंगा नदी को पृथ्वी पर लाए थे। द बून ऑफ फोर आर्म शिवा टू भागीरथ, पृथ्वी पर गंगा के अवतरण का प्रभाव इतना अधिक होता कि वह पृथ्वी को ही नष्ट कर देता, इसलिए अर्जुन ने भगवान शिव को गंगा नदी के अवतरण को अपने बालों में सहने के लिए तैयार किया था। बीस्ट रोम द फॉरेस्ट, ए कैट मेडिटेट, दीज आर स्टोन्स एंड टू द फिंगर्स स्वीट डस्ट, ड्रीम्स ऑफ टाइम इन स्टोन, हु शैल टेल अस द ड्रीम, हिंसांग और मनुक्षी। अब महाबलीपुरम के जो जंगल हैं उनमें जंगली जानवर ही घूमते रहते हैं इधर उधर। एक बिल्ली है, ए कैट मेडिटेट, शांत बैठी है मानो कि वो गहन चिंतन कर रही हो। दीज आर स्टोन्स एंड टू द फिंगर स्वीट डस्ट, ये जो बड़े बड़े ये जो स्थान है ग्रेनाइट के बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ है और ये जो मूर्तियां हैं कलाकृतियां हैं बहुत एंशियंट है और ये धूल से अब आच्छादित है, मतलब इनके ऊपर धूल जमी हुई है। ये कलाकृतियां पत्थर में बनाई गई, समय का जो साकार स्वप्न है, मतलब उन्होंने टाइम को बहुत अच्छे से इस पर उत्कीर्ण किया है। Who shall tell us the dream? लेकिन पोइट ये नहीं जानता कि इस स्वप्न के बारे में हमें कौन जानकारी देगा। जो साकार स्वप्न इन पत्थरों में उत्कीर्ण किया गया है, इस स्वप्न के बारे में हमें कौन जानकारी देगा? हिंसांग आया, मनुक्षी आया, कौन बताएगा हमें? हिंसांग एक चीनी यात्री था जो 7वीं शताब्दी में भारत आया था। उसके द्वारा भारत में की गई यात्राओं का वर्णन उस समय के भारत की राजनीतिक स्थिति पर अत्यधिक प्रकाश डालता है। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था और वहीं पर ये अध्यापक बन गए थे। उन्होंने बहुत सारी संस्कृत बुक्स का चीनी में ट्रांसलेट किया था। मनुक्षी एक इटालियन ट्रैवलर थे जो 1653 में भारत आए थे और फिर वापस कभी नहीं गए, भारत में ही रहे। उनका देहांत भारत में 1717 में हुआ था। उनके द्वारा लिखा हुआ उस समय का ऐतिहासिक विवरण बहुत सही माना जाता है। उन्होंने एक सही घोषणा भी की थी कि 30,000 सैनिक सारे मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो जो पोइट है पारसारथी वो कहते हैं कि उन्हें ये पता नहीं है कि हिंसांग या मनुक्षी
पत्थर में जो ये नक्काशी की गई है इन समय के साकार सपने की व्याख्या इनमें से कौन कर पाएंगे, क्योंकि ये उत्कीर्ण की हुई मूर्तियाँ संसार की बहुमूल्य धरोहर है। इस प्रकार से जो पोएम है पार्थसारथी आर पार्थसारथी की कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी।